Nice one, right? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग साहब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट नाइट बेकिंग करने का दिल चाह रहा था और दूसरी वजह ये भी थी कि बनाना जो है वो बिल्कुल ख़राब हो रहे थे, बिल्कुल राइपेंड हो गए थे, तो मैंने फिर बनाना ब्रेड बना ली थी और फिर अगली सुबह मैंने वही बनाना ब्रेड जो है थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज और हॉट चॉकलेट के साथ इंजॉय की थी। तो ब्रेकफास्ट जो है आज ज़रा शशके वाला हो गया था, थोड़ा हाईफाई हो गया था, थोड़ा चेंज हो गया था और अच्छा भी लग रहा था। ब्रेकफास्ट करने के फौरन बाद जो है फिर रेडी हो गई थी क्योंकि आज हम जा रहे थे फार्म। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा और हम एज अ फैमिली फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे फार्म को देखने के लिए। यहाँ सबसे ख़ास बात यह होती है कि आप अपनी पसंद के यहाँ फ्रूट्स वगैरह जो है पिक कर सकते हैं और यहाँ बिल्कुल फ्रेश प्रोड्यूस होती है, तो आप उसमें से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे होता है सब कुछ। जितनी देर में सब तैयार हो रहे थे उतनी देर में मैंने बच्चों के कपड़े जो हैं वो सॉर्ट आउट भी कर लिए थे। ये बिल्कुल फ्रेश और नए कपड़े थे बच्चों के जो मैं लेकर आई थी नेक्स्ट की सेल जब लगी थी, और मुझे फाइनली आज टाइम मिल गया था कि मैं इनको सॉर्ट आउट भी कर लूँ और इनको इनकी जगह पर रख भी दूँ। लास्टली मैंने किड्स बेडरूम को ठीक किया और साथ ही टॉयज को भी उनकी सही जगह पर रख दिया। कहीं जाना हो तो सबसे पहले बच्चों की चीज़ें रखनी होती हैं और बाद में अपनी, तो यहाँ भी यही हुआ था। मैंने सबसे पहले बच्चों की चीज़ें रख ली थी और साथ ही फिर अपनी एक आध चीज़ जो भी इस बैग में आती है मैं रख लेती हूँ। यहाँ वेदर देखकर ही प्लान की जाती हैं डे ट्रिप्स, और आज जो है वेदर काफ़ी अच्छा था, पार्टली क्लाउडी था और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई थी। जहाँ हम जा रहे हैं ये एक फैमिली रन इंडिपेंडेंट जो है बिजनेस भी है और इनकी अपनी फार्म शॉप भी है और इनका अपना ही फार्म है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं। फार्म में एंट्री भी फ्री है और यहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस है कार पार्क के लिए, और स्पेशली यहाँ बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। बैंक हॉलीडेज में भी ये ओपन होता है। जैसे ही यहाँ एंटर करो तो सबसे पहले इनकी फार्म शॉप आ जाती है। यहाँ इनकी लोकल प्रोड्यूस जो भी यहाँ फार्म पे उगता है सब कुछ यहाँ बिकता भी है और यहाँ से लोग अक्सर बाय भी कर लेते हैं, और मैंने भी यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बाय की थी इन द एंड। लेकिन बस मैंने यहाँ से सबसे पहले जो है बकेट्स कलेक्ट कर ली थी जिसके अंदर स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट करेंगे हम लोग, तो वो आपने यहीं से बाय करनी होती हैं। बकेट्स यहाँ से मैंने कलेक्ट कर ली थी और इन्होंने इसको मार्क भी कर दिया था। इसके अंदर जो वाइट प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं वो कम्प्लीटली फ्री होते हैं और आप इसके अंदर अब स्ट्रॉबेरीज या रास्पबेरीज, करंट्स वगैरह जो भी कलेक्ट करना चाहें कलेक्ट कर सकते हैं। बस अब यहाँ डिस्कवर करना शुरू कर दिया था। इन्होंने यहाँ वाइट प्लास्टिक बैग्स भी रखे हुए थे और कैबेज वगैरह या टोमेटोज या कोई भी आप वेजिटेबल अगर कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ बैग के अंदर आप ये डालेंगे, और एट द एंड जब आपकी ट्रिप पूरी कंप्लीट होगी तो फिर आप उसी फार्म शॉप में जाके पे करेंगे। बहुत ही मज़े की और एक्सट्रीमली टेस्टी रास्पबेरीज थी यहाँ। क्योंकि यहाँ अब एंड ऑफ द सीज़न हो चुका है इसलिए ना ब्लैक करंट्स थे और ना ही रेड करंट्स, लेकिन फिर भी स्ट्रॉबेरीज भी थी यहाँ, रास्पबेरीज भी थी यहाँ फ्रूट्स में, और ये मेजर जो है यहाँ की अट्रैक्शन थी। इनके अपने प्रिंटेड बैग्स होते हैं, इस तरह मैंने यहाँ एक प्रिंटेड बैग इनका ले लिया है। और अब टोमेटो सेक्शन में आ गई थी तो टोमेटोज़ उठाना शुरू कर दिए थे, और जो बिल्कुल टोमेटोज़ राइपन हो गए थे वो ले लिए थे, कलेक्ट कर लिए थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि डायरेक्टली सोर्स से हम कलेक्ट कर रहे थे चीज़ें और ख़ुद डिस्कवर कर रहे थे, ढूँढ रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ साइन बोर्ड था जिसकी हेल्प से आपको पता चल सकता है कि किस साइड पे कौन सा वेजिटेबल और कौन सा फ्रूट है।
उसके बाद अब हम पहुंच गए थे मेन अट्रैक्शन की तरफ, ये है स्ट्रॉबेरी पिकिंग। सब लोग वहीं थे और ज़्यादातर बच्चे थे यहाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, खुद कलेक्ट कर रहे थे स्ट्रॉबेरीज और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्ट्रॉबेरीज कलेक्ट कर ली थी और उसके बाद पेमेंट के लिए गए थे हम फार्म शॉप की तरफ। यहाँ प्राइसेस भी मेंशन थी और यहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अलावा लोकल हनी जो इनकी अपनी प्रोड्यूस थी और जैम्स वगैरह भी यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। फार्म की ट्रिप हो गई थी मुकम्मल, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। उसके बाद वापसी पे लंच ले लिया था फ्रॉम अ लोकल टेक अवे, दैट वाज बर्गर्स एंड फ्राइज। और इसके साथ ही जब मैं घर पे आई थी तो बच्चों की जो शूज़ होते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट था, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से एक क्विक वैक्यूम करना पड़ गया। भूख जोर शोर से लग चुकी थी तो इसलिए अब पेरी पेरी बर्गर्स इंजॉय कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैंने वो जो स्ट्रॉबेरीज जो हम लेकर आए थे वो ट्राई की थी, बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और काफ़ी ज़्यादा हम लेकर आ गए थे तो इसलिए मुझे कोशिश करनी थी कि हम इनको जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लें। घर आने के बाद घर के काम होते ही नहीं है ख़त्म, और अब मुझे याद आ गया था कि लॉन्ड्री फोल्ड करनी थी, काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो जल्दी जल्दी लॉन्ड्री फोल्ड की। मिल्क की बॉटल्स जो हैं जो एम्प्टी हो गई थी वो मैंने यहाँ रखती हैं, कल मिल्क कलेक्शन डे है। और साथ ही अब मैं यहाँ ब्लॉग को एंड करूँगी, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।